डोलो पहलवान रेड एंड ब्लैक मौसम खतरी नरेश अखाड़ा डोलो पहलवान पहलवान जी मौसम पहलवान जो कि गांव पहुंचे पहुंचे हैं महान दानी सज्जन है इन्होंने 1,00,000 रुपया तो दंगल कमेटी को दिया है पहलवानों का आशीर्वाद देने के लिए उसके साथ साथ 11,000 रुपए से जो देवेंद्र दलाल जी है हमारे अनाउंसर है उनका भी उन्होंने स्वागत किया है हम संदीप शेरावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो सभी का ध्यान रखते हैं 11,000 रुपए से उन्होंने देवेंद्र दलाल उर्फ काला गांव मानोटी हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर है उनका स्वागत किया है बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आप सभी का ध्यान रखते हैं और ये आज भारत के सीरीज का पहला सेमीफाइनल आपके सामने दोनों ही पहलवान मंजिल में खिलाड़ी हैं और बहुत सी कुश्तियां जीत के आए हुए हैं दर्शकों अगर कोई भी पहलवान कोई अच्छी टेक्निक लगाता तो आप तावे में कद्दू सीधा करें क्योंकि इनका हौसला आप बढ़ाएंगे तो ये और अच्छा खेल दिखाएंगे आपको सारे के सारे इसे भारत के श्री हरा नहीं सर जितने आप देख रहे हो 100-100 किलो के 120-120 किलो के गोडा टेक दे मांस की कभी टूट जा बहुत ही शानदार कुश्ती पहलवान ने दिखाई है लाल जागिया में पहलवान है बोलू नरेश अखाड़ा शाहबाज डेरी और दूसरा मौसम खत्री गांव पांची सोनीपत जिला समय इस प्रकार है सेमीफाइनल और फाइनल का 4-4 मिनट का समय है दो राउंड है 4-4 मिनट के 3 मिनट में पैसिंग भी देखी जाती है और दर्शकों में आपको बता दूं आप कुश्ती के जानकार लोग हैं तीसरी मिनट में पैसिंग भी दी जाएगी फाइनल का 5-5 मिनट का है सही फाइनल 5-5 भाई पहलवान जादो का 1,100 रुपए देंगे मैं अलग से चेक कर लिया हूं सेमीफाइनल फाइनल में कोई भी तीनों कुश्ती अगर आप पार होगी तो बहुत अच्छी बात है भाई पहले भी काफी दान दिया सोमवीर ने यार अभी बात नहीं है हर जगह दान देता सोमवीर जादो का सोलह कुश्ती 24 घंटे मायने रखती है भाई लोगों शरीर की तो ताकत लगती लगती जितनी शरीर की ताकत लगती मानसिक रूप से उससे 2-3 गुना ताकत लगती आदमी की और उसके बाद रिकवरी वार्म अप करना ये सब कुश्ती का हिस्सा है बाप अंदाजा लगाए कि कितने स्ट्रोंग है ऐसे पहलवान और एक भी कुश्ती में अभी तक पराजित नहीं हुए हैं बहुत मायने रखती ये चीजें आप रेफरी साहब फैसिलिटी की तरफ जरूर आप ध्यान रखिएगा मोहित पहलवान की तरफ से जो 21,000 रुपए की स्पेशल कुश्ती होनी है सत्य पहलवान जाडो तो उसमें पहलवानों का आशीर्वाद देंगे सोमवीर पहलवान जाडो था लीला पहलवान जाडो था मोहित पहलवान जाडो था दीपक जाडो था और विक्की जाडो था और कालू बिजनौर केसरी और करण पहलवान इन पहलवानों का सम्मान करेंगे अभी आपको बता दें दर्शकों को कि जो बाल और संदीप है स्वागत करने वाली टीम में संदीप भी है उसको 30 सेकंड में रिवॉर्ड मिला है अगर नहीं मिला तो दूसरे पहलवान को 1 पॉइंट मिल जाएगा ये दर्शक कभी ये कहे कि पॉइंट कैसे मिल गया लाल जंगी का पहलवान
को 30 सेकंड में पॉइंट मिला है, नहीं तो रिले जाकर हमारे पहलवान को ऑटोमेटिकली एक पॉइंट मिल जाएगा। एक मिनट का टाइम है, सॉरी 30 में 30 सेकंड होती है ये पांच। दोनों ही पहलवान कसम कसम है कि पॉइंट लिया जाए, और खासकर लाल साहब ये का पहलवान ये चाहता है कि मैं पॉइंट लूं। हाँ, सोमवीर पहलवान जड़ौदा अपनी तरफ से मोटा कोचा लांडपुर को 3500 रुपए से सम्मान दे रहे हैं, जो अखाड़ा चला रहे लांडपुर में, मोटा कोचा लांडपुर हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। एक जीरो का स्कोर है, मोहसिन पहलवान का एक अंक है और दूसरे पहलवान की जीरो। जा गया जरूर, अलग अलग है, जैसे जिसका लीली पट्टी है उसका लाल जा गया, जिसका लाल पट्टी उसका नीला जा गया है। आगे अगर जाएंगे हम लोग कलर के होंगे तो पट्टी हम वही मान लेंगे आगे से। अब दो चलो बंद की दर्शकों अपने तालियां बजानी पड़ेंगी। कुश्ती अगर देखना चाहते हैं तो आप चला, आखिरी कुश्ती चल रही है, देखो आपने बड़ा मजा लेना है। इतनी देर से आप बैठे, कितना अच्छा प्रयास कर रहे पहलवान ने, आपकी तालियों में जादू है। अगर आप जोरदार तालियां बजा देंगे नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, क्योंकि नाम में दिक्कत हो जाएगी, किसी का नहीं जाएगा।
तो सारे जितने भी पोर्चनपुर के युवा साथी सभी आएंगे। पहले उन लोगों का आशीर्वाद जो कमेटी में है, और भाई बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये इतना बड़ा आयोजन ऐसे ही सफल नहीं हो जाता। युवा साथी ने एक जिम्मेदारी के साथ एक मेच्योर आदमी की तरह व्यवहार किया है। हर व्यवस्था को देखने में भाई की जितनी तारीफ की जाए कम है। अगले पहलवानों की कुश्ती दर्शकों बहुत अच्छी होगी। कृष्ण पहलवान और प्रवेश पहलवान कई बार के तो